नमस्कार दोस्तों, स्वीट एंड शनिवार में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अपने अपने काम में मस्त हैं। आज लेके आया हूँ मैं एक नया टॉपिक। वो टॉपिक मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखकर और उसकी जो एक इम्पॉर्टेंस है उसे सोचकर इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो टॉपिक है स्पीकर की डैम्पिंग के बारे में। हम लोगों ने एम्पलीफायर के डैम्पिंग फैक्टर्स के बारे में कई सारे वीडियो देख रखे हैं जो यूट्यूब पर आसानी से अवेलेबल है, पर स्पीकर के डैम्पिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। तो चलिए आज मैं आपसे स्पीकर के डैम्पिंग के बारे में बात करूंगा। ये क्यों ज़रूरी है, इसका डैम्पिंग फैक्टर एम्पलीफायर के जो होते हैं उससे इसका क्या रिलेशन है, इन सभी चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लाउडस्पीकर की जगत से एक और अमूल्य टॉपिक को लेकर उसे जानने की कोशिश करते हैं। डैम्पिंग का मतलब होता है कि एक अगर कोई चीज़ है उसे अगर हम छेड़ देते हैं, उसकी मूवमेंट होती है, तो कितने जल्दी वो रेस्ट पोजीशन पे आ सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे पास दो तरीके की गेंद है। एक गेंद जिसको अगर हम टप्पा खिलाते हैं तो मान लीजिए वो 8 या 12 टप्पे खाने के बाद वापस से वो ग्राउंड पे आके रुक जाता है, और वहीं एक और गेंद है जो 3 या 4 टप्पे बाद ही वो ग्राउंड पे आके रुक जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ जो दूसरी वाली गेंद है उसकी डैम्पिंग जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी रेस्ट पे आ गया। वहीं पर ही जो पहली वाली गेंद है वो बहुत सारे टप्पे खाने के बाद रेस्ट पे आई, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डैम्पिंग लो है। उसी तरीके से स्पीकर में भी कोन के मूवमेंट से हम डैम्पिंग का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर सिग्नल कटने के बाद भी कोन की मूवमेंट जारी है, इसका मतलब ये है कि उसमें डैम्पिंग लो है। और वहीं अगर सिग्नल कटते ही अगर कोन भी अपने रेस्ट पोजीशन पे आ जाए, इसका मतलब है स्पीकर में डैम्पिंग ज़्यादा है। एम्पलीफायर्स के स्पेसिफिकेशन में आपने देखा होगा कि डैम्पिंग फैक्टर दी हुई रहती है। तो क्या स्पीकर की डैम्पिंग वैल्यू नहीं दी हुई रहती है? बिल्कुल दी हुई रहती है। अगर आप TS पैरामीटर्स को ध्यान से देखें तो उसमें आपको 3 पैरामीटर ऐसे देखने मिलेंगे जो आप देखे हैं पर ये जानते नहीं थे कि ये डैम्पिंग वैल्यूज़ हैं। वो है QMS, QES और QTS। स्पीकर में डैम्पिंग दो तरीके से काम करती है, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल डैम्पिंग के लिए उसके सस्पेंशन को देखना पड़ता है। सस्पेंशन सिस्टम में क्या आता है, स्पाइडर और सराउंड। ये कितना सक्षम है कोन को रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए, ये वैल्यू हमें QMS से मिलती है। QMS का मतलब होता है कि सस्पेंशन कोन को कितनी जल्दी रेस्ट पोजीशन पे ले आता है सिग्नल कट ऑफ होने के बाद। उसी तरह से QES है, वो है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। मतलब ये कि जब मैग्नेट और कॉयल जब इंटरैक्ट करते हैं तब एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जिसके कारण कोन की मूवमेंट होती है। ये जब कट जाता है सिग्नल तो ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कितने सक्षम है कोन को जल्द से जल्द स्टॉप करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने डीप में जाने का क्या मतलब है, हमें तो सीधा सीधी बता दो भाई कि QMS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, QES की वैल्यू क्या होनी चाहिए, QTS की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो शायद आप गलती कर बैठेंगे। डैम्पिंग अच्छा है या बुरा है ये स्पीकर की यूसेज पर डिपेंड करता है। अब आप मान लीजिए कि आप एक होम थिएटर वाले स्पीकर को सुनना चाहते हैं, घर में एक होम थिएटर लगाया आपने, उसमें एक स्पीकर डाला, तो उस केस में मैं बोलूँगा कि जिसमें डैम्पिंग लो है, मतलब जिसकी क्यू फैक्टर, क्यू की वैल्यू 0.7 से ऊपर है, आप उस स्पीकर को चुनें। जब डैम्पिंग लो रहती है तब उसमें जो बेस आता है वो थोड़ा सा मडी रहता है, थोड़ा स्पीकर जो है सिग्नल कटने के बाद में भी थोड़ी देर तक बेसी चलता है, तो वो एक सराउंड की फीलिंग देता है, वो होम थिएटर में ज़रूरी होती है। लेकिन वहीं अगर आप एक हाई फाई सिस्टम या आउटडोर या कोई लाइव परफॉर्मेंस जैसी जगह पर बड़े बड़े PA स्पीकर्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर डैम्पिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है देखना कि ज़्यादा है या कम है। क्यों? क्योंकि अगर डैम्पिंग ज़्यादा नहीं रहा तो कोन काफ़ी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और वो आपको जो बेस देगा वो टाइट महसूस नहीं होगी, आपको बहुत मडी महसूस होगी, लगेगा कि जैसे कि बस बेस बजा और छूट गया, प्रेजेंस फील नहीं होगी। लेकिन एक टाइट बेस के लिए आपको हाई डैम्पिंग चाहिए। हाई डैम्पिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्यू की वैल्यू क्या है। अगर क्यू की वैल्यू 0.4 या 0.4 से नीचे है, इसका मतलब
कि इसमें टाइट बेस मिलेगा तो आप वो स्पीकर को आराम से ले सकते हैं। क्यू का इंडिकेशन ही यही है कि ये बेस कैसा प्रोड्यूस करेगा। इसमें हम बेसिकली QTS की वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। QEMS और QES की जो वैल्यू होती है वो अगर आप ना भी देखें तभी भी एक प्रकार से आप स्पीकर खरीद सकते हैं, पर QTS की वैल्यू को देखना बहुत ज़रूरी है। QTS की वैल्यू के कारण ही आप ये भी जज कर पाएंगे कि आपको उस स्पीकर को कौन से कैबिनेट में डालना चाहिए। अगर वो 0.4 के नीचे है तो आप उसे डेफिनेटली वेंटेड या एक पोर्टेड स्पीकर में डालिए। 0.4 से 0.7 के बीच में है तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर सील्ड कैबिनेट में डालिए, और 0.7 से ऊपर अगर उसकी वैल्यू है तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ये बात मैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत बार मुझसे मेरे कस्टमर्स बोलते हैं कि ये जो स्पीकर है इसमें मुझे प्रॉपर बेस नहीं मिल रहा है, टाइट बेस नहीं मिल रहा है, बेस जो है वो पतला हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब मैं उनको समझाता हूँ कि जो आप एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं पहले तो उसकी डैम्पिंग फैक्टर को चेक करें। खाली डैम्पिंग फैक्टर देखने से नहीं होगा दोस्तों, उसके साथ ही साथ आपको जो स्पीकर आप यूज़ कर रहे हैं उसके क्यू की वैल्यू को देखो। QTS क्या है? अगर डैम्पिंग फैक्टर हाई है और QTS लो है तब जाके वो एक आपको टाइट बेस देगा। लेकिन वहीं पर ही मान लीजिए अगर आपके डैम्पिंग फैक्टर हाई है और QTS भी हाई है तब नहीं देगा, ये एक मिसमैच है। उसी तरीके से आप उल्टा भी कर सकते हैं। होम थिएटर के लिए स्पीकर चाहिए तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो भी स्पीकर होते हैं उसके TS पैरामीटर्स को अगर आप देखते हैं तो उसमें QTS की वैल्यू हमेशा हाई रहती है, तो उसके लिए आपको लो डैम्पिंग फैक्टर वाले एम्पलीफायर भी चल जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े एप्लीकेशन के लिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए हाई डैम्पिंग फैक्टर वाले अगर आप एम्पलीफायर्स को यूज़ कर रहे हैं तो मेरा यही सजेशन है कि आप उसके साथ वही स्पीकर को लगाएं जो आपके QTS को कम वैल्यू में दिखा रहा है, जैसे कि 0.3 या 0.4 के बीच में हो तो ज़्यादा बेटर है। उससे आपको बहुत टाइट बेस और अच्छा प्रेजेंस बेस का मिलेगा और क्लियर साउंड रिप्रोडक्शन होगा। स्पीकर खरीदने से पहले आप ये चेक करें कि स्पीकर के क्यू की वैल्यू क्या है। क्यू की वैल्यू मतलब QTS की वैल्यू को आप चेक करिए। अगर आप एम्पलीफायर के डैम्पिंग फैक्टर को जानते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसे जान लें। फिर आप कंपेयर करें कि क्यू की वैल्यू क्या डैम्पिंग फैक्टर्स के लिए ठीक है, या अगर जैसे मान लीजिए कि 0.3 0.4 के बीच में और डैम्पिंग फैक्टर आपके एम्पलीफायर की हाई है और आपको फिर किस प्रकार का साउंड चाहिए वो फैक्टर रहेगा, कि आपको अगर टाइट बेस चाहिए कि आपको नॉर्मल बेस चाहिए। टाइट बेस अगर चाहिए तब आपको क्यू की वैल्यू जो है वो 0.4 के नीचे रखनी होगी। अगर वो स्पीकर में है तो आप आँख बंद करके वो स्पीकर लीजिए, वो अच्छा बोलेगा। ये स्टेप्स फॉलो करके अगर आप स्पीकर खरीदेंगे तो आप एक इन्फॉर्म्ड वे में स्पीकर खरीद सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, टाइट बेस के लिए खाली क्यू फैक्टर ही खाली इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ में जुड़ के एक टाइट बेस बना के देती है। ये एक इंडिकेशन है कि हाँ क्यू की वैल्यू अगर 0.4 के नीचे है तो ये टाइट बेस प्रोड्यूस करेगा अगर हम इसे अच्छी डैम्पिंग फैक्टर के एम्पलीफायर से चलाएँ तो। लेकिन साथ ही साथ बक्से का कंस्ट्रक्शन, आपने जो तार यूज़ किया है कनेक्ट करने के लिए, एम्पलीफायर कितनी दूरी पर रखा है अपने स्पीकर से, ये सब बहुत सारी फैक्टर होती हैं जो साउंड को रिप्रोड्यूस करने में बहुत सारी रोल प्ले करती हैं। तो मैं आपको आज जो बताया हूँ डैम्पिंग फैक्टर के बारे में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कंट्रीब्यूट करता है साउंड को रिप्रोड्यूस कराने में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पोजीशन पे होंगे कि आप एक इन्फॉर्म्ड वे में एक अच्छे स्पीकर को खरीद सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है और आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूँ कि मैं और ऐसे टॉपिक्स पे आपसे बात करूँ। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट हो या लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, उससे मैं आपको कोई डाउट होगा तो क्लियर कर पाऊँगा और कहीं मैं गलत होऊंगा तो मैं उसे सुधार पाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।